वेरी गुड डे एवरीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पर पूछा गया है और दो चीज़ें इसमें हैं। एक कि ट्रेडिशनली स्ट्रक्चर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स हैव आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, ठीक, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है पहला है आउटलिव्ड देयर यूटिलिटी, ठीक है। डिस्कस हाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, दूसरा वर्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कैन रिवाम्प रिस्ट्रक्चर एंड रीडिजाइन द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स। तो मैंने कहा कि वर्ड के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाइए। सबसे पहले बताइए कि परंपरागत प्रशासनिक संरचनाओं की क्या कमियां हैं, ठीक है। पहली कमी है कि ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स फॉलो अ सिस्टम इन विच पावर फ्लोस अपवर्ड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल एम्प्लॉयज फॉलो अ चेन ऑफ कमांड विच इज नॉट यूजफुल इन मॉडर्न टाइम। सबसे पहले तो है कि इसमें प्राधिकार का प्रवाहन ऊपर से नीचे की ओर होता है और आदेश की जो श्रृंखला है वो ऊपर से नीचे चलती है, ठीक है, जिसमें कि कर्मचारी उच्च अधीन संबंधों से बंधे रहते हैं जो आज के समय में उपयोगी नहीं है, ठीक है। दूसरा, एक ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर द डिसीजन मेकिंग पावर इज हाइस्ट एट द टॉप एंड रिड्यूस एज इट मूव्स डाउन द चार्ट, कि परंपरागत रूप से संरचित प्रशासनिक संगठनों में निर्णय निर्धारण की जो शक्ति होती है ऊपर के स्तर पर सबसे ज़्यादा होती है और जैसे जैसे हम नीचे उतरते जाते हैं वैसे वैसे निर्णय की जो शक्तियाँ हैं वो बिल्कुल कम होती चली जाती हैं। तीसरा जो कमी है इसकी, ड्यू टू हायरार्कल नेचर द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में हैव लिटिल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉयज हु आर नॉट देयर डायरेक्ट सबॉर्डिनेट। पद सोपानवत होने के कारण इन्हें ऊर्ध्व संगठन कहते हैं सरकार के परंपरागत संगठनों। इसमें क्या होता है कि जो उच्च स्तर का पदाधिकारी होता है उसका निचले स्तर के कर्मचारियों से संवाद ना के बराबर होता है, ठीक है। पटवारी को अगर कोई दिक्कत है तो वो नायब तहसीलदार तक पहुंच पाता है, नायब तहसीलदार को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या तो तहसीलदार को पहुँच सकता है, ठीक है। तहसीलदार ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो एसडीएम से, ठीक, और एसडीएम डीएम से मिलता है, लेकिन पटवारी सीधे डीएम से तो बिल्कुल संवाद कर ही नहीं सकता, तो ये संवादहीनता को पैदा करते हैं, इसलिए आज के लिए उपयोगी नहीं है। देन द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर डिवाइड देयर एम्प्लॉयज इनटू डिपार्टमेंट्स एंड डिविजन्स डिपेंडिंग ऑन देयर रोल्स, ठीक है। इट मे लिमिट देयर अपॉर्चुनिटीज टू स्ट्रेस देयर एबिलिटीज, क्योंकि वो विभागों में बांट देता कर्मचारियों को, ये वित्त विभाग वाले हैं, ये व्यय विभाग वाले हैं, हैं, और ये पशुपालन वाले हैं, ये मत्स्य विकास वाले हैं, तो उससे हालांकि कई बार थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता ही है, ठीक है, आईएएस लेवल पे तो होता ही है, लेकिन जो जनरल एक पैटर्न होता है वो अपने विभाग के दृष्टिकोण से ऊपर उठ ही नहीं पाते, बल्कि केंद्रीय सचिवालय की समस्या जब आप लिखते हैं तो उसमें एक समस्या ये आती है एम्पायर बिल्डिंग टेंडेंसी, साम्राज्य निर्माण की प्रवृत्ति, कि जो जिस मंत्रालय का जिस विभाग का बस उससे ऊपर आगे वो कुछ सोच ही नहीं सकता, ठीक। तो ये समस्याएँ हैं जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स की हैं। अब इन्हें हमें रिवैम्प करना है, इन्हें हमें रिस्ट्रक्चर करना और रीडिजाइन करना, तो कैसे करेंगे? रिवैम्प का मतलब है टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक इट मोर मॉडर्न, कि रिवैम्प का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में एक को परिवर्तित करके उसे आधुनिक बनाना। तो जो परंपरागत रेड टेप ओरिएंटेड या लाल फीताशाही प्राधिकार उन्मुख संगठन है उसमें हमें नई चेंज लाने हैं by bringing 4 P, 4 F and 3 E's. 4 F means fast, flexible, focused and friendly प्रशासन बनाना and 3 E's economy, efficiency, effectiveness को लाना, ठीक है। तो ये हमें इसको revamp करके ऐसे बनाना है, structure को भी redesign करना है, ठीक है, restructure करना है। restructure का मतलब होता है to change the organization in a new way, ठीक है, टू इंश्योर रिड्यूस मैनेजमेंट लेयर्स, ठीक, शेयर इंफॉर्मेशन एंड पर्सनल एंड स्किल अक्रॉस द डिपार्टमेंट, उसमें चेंज करना, ठीक है। इसके लिए आप लिख सकते हैं, ठीक है, फॉर डिलेयरिंग डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन decentralization
डी लेयरिंग, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डी कंसंट्रेशन। डी कंसंट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन अलग चीज है, डी कंसंट्रेशन ठीक है, यानी कि विस्तरीकरण कम करना, विस्तरीकरण यानी कि स्तरों को कम करना, डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन विनौकरशाहीकरण यानी कि नियमों और प्रक्रियाओं को कम करना, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि नीचे के स्तर पर प्राधिकार देना, और डीकंसंट्रेशन यानी कि जो कार्यों का जमवाड़ा सब ऊपर डीएम साहब के टेबल पर या मुख्य सचिव के टेबल पर हो गया, उस काम को कम करना, निचले स्तरों तक पहुंचाना ठीक है। तो इस तरह से हम इसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं बाय डिलेयरिंग, डिब्यूरोक्रेटाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डीकंसंट्रेशन ठीक। और रिडिजाइन करना, डिजाइन इन डिफरेंट वे, तो यूज ऑफ आईसीटी के द्वारा हम इसको डिफरेंट वे में डिजाइन कर सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं, बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ट्रांसपेरेंट, टेप मैनेजमेंट ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पेपरलेस, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नमेंट और सोशल मीडिया गवर्नेंस या मोबाइल गवर्नेंस। तो इस तरह से ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझते हैं तो आप अच्छा आंसर उसमें लिख सकते हैं ठीक है। थैंक यू।